गाजा में मदद के लिए खुला राफा बॉर्डर, गाजा पहुंचे राहत सामग्री से भरे ट्रक। राफा बॉर्डर से आज लगभग 20 ट्रक पहुंचेंगे गाजा, ट्रकों में दवा, मेडिकल सप्लाई और खाना। इसराइल ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, मिस्र और जॉर्डन तुरंत छोड़ने की दी सलाह। इसराइल ने अपने नागरिकों से मिस्र जॉर्डन की यात्रा न करने की दी चेतावनी, कहा इन देशों में हो सकता है इसराइलियों पर हमला। हिजबुल्ला ने एंटी टैंक मिसाइल से इसराइल पर किया हमला, लेबनान बॉर्डर पर मार्कलियट के पास हुआ हमला। गाजा में हमास नियंत्रित आंतरिक मंत्रालय का बयान, इसराइल के हवाई हमले में 29 लोगों की मौत। गाजा पर इसराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी, उत्तरी गाजा के जाबलिया इलाके में अकेले 14 लोगों की गई जान, हमास ने किया दावा। इजरायली सेना ने दी जानकारी, हमास ने इसराइल के 30 बच्चों को किया है अगवा। हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल की जवाबी कार्रवाई जारी, लेबनान सीमा पर टैंकों के साथ इसराइली सैनिक तैनात। गाजा पर इसराइल की एयर स्ट्राइक जारी, जगह जगह की गई बमबारी। गाजा पर इसराइल के हवाई हमले जारी, उत्तरी गाजा में अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास हुआ हमला। इसराइल के अशदोद में सुनाई दिया हमले का सायरन, शहर में रॉकेट हमले का अलर्ट जारी। गाजा पर हमले के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स तैनात, गाजा बॉर्डर के पास इजरायली सेना कर रही गश्त। गाजा बॉर्डर पर इजरायल ने तेज की तैयारी, सीमा के पास दिखा इजरायली टैंकों का काफिला। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, कहा बंधकों को वापस लाने का काम रहेगा जारी। बंधकों की रिहाई को लेकर इजरायली पीएम की आवाज को दो टोक, बोले बंधकों की रिहाई में कोई ढील नहीं होगी। हमास को लेकर भी बोले इजरायली पीएम नेतन्याहू, कहा हमास के खिलाफ हमारी लड़ाई रहेगी जारी। गाजा पर जमीनी हमले के लिए इजरायली सेना तैयार, आईडीएफ के प्रवक्ता बोले आदेश मिलने की बात करेंगे कोच। इजरायली हमले की आशंका के चलते लेबनान के पास मौजूद शहर खान यूनस को कराया गया खाली।